हाउ टू वॉच 3D मूवीज़। यह है 3D मूवी सीरीज़ का पार्ट टू वीडियो। अगर आपने पार्ट वन वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर जरूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो में हमने यह सीखा है कि 3D मूवीज़ को डाउनलोड कैसे करना है, और इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि 3D मूवीज़ को देखना कैसे है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं ST अभी। इस वीडियो में मैं दो तरीका बताऊंगा। सबसे पहले तरीके में हम यह सीखेंगे कि 3D मूवीज़ को लैपटॉप या कंप्यूटर में आप कैसे देख सकते हैं, और दूसरे तरीके में हम यह सीखेंगे कि 3D मूवीज़ को आप अपने फ़ोन में कैसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात जान लें, जो एक्सपीरियंस आपको लैपटॉप और कंप्यूटर में मिलने वाला है वह एक्सपीरियंस आपको फ़ोन में नहीं मिलेगा, इसलिए आप कोशिश करें कि आप 3D मूवीज़ को लैपटॉप या कंप्यूटर में ही देखें। और एक बात दोस्तों, एक बात जान लें कि यह ट्रिक सबसे पहले मैं ST अभी YouTube पर आप देख रहे हैं, YouTube पर अभी तक ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसमें इन दोनों ट्रिक को एक साथ बताया गया हो। यह YouTube पर पहली ऐसी वीडियो है जिसमें इन दोनों तरीकों को एक साथ बताया जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स, 3D मूवीज़ देखने के लिए 3D ग्लास का होना बहुत ही ज़रूरी है। आप बिना 3D ग्लासेस के 3D मूवीज़ को नहीं देख सकते, इसीलिए मैंने कुछ अमेजोन पे टॉप 3 3D ग्लासेस को चूज़ किया हुआ है, जिनकी हेल्प से आप 3D मूवीज़ को आसानी से देख सकते हैं। इन तीनों का परचेजिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे जाकर आराम से परचेस कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला चश्मा है, इसका दाम है ₹99। फ्रेंड्स, ये सस्ता सुस्ता काफ़ी अच्छा चश्मा है, और ये इससे आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा, लेकिन वैसा एक्सपीरियंस मिल जाएगा जैसा आप चाहते हैं। इसका दाम 99 है और ये काफ़ी सस्ता है, इससे सस्ता आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप और ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं तो आप इस वाले चश्मे को ट्राई करें, इसका दाम है ₹249, और यह उससे अच्छा चश्मा है फ्रेंड्स। और इसमें आपके पूरे आँख को भी यह चश्मा कवर कर देता है, और आप इस चश्मे का भी यूज़ कर सकते हैं। वो चश्मा भी ख़राब नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन यह चश्मा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। अगर फ्रेंड्स आपकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है पावर वाला, तो आप इस चश्मे को यूज़ करेंगे, मीन्स इस 3D ग्लास को यूज़ करेंगे, देख सकते हैं। इसमें आप फ्रेंड्स ऊपर से अंदर से चश्मा भी पहन सकते हैं, और उसके ऊपर से इन 3D ग्लासेस को भी पहन सकते हैं, और आप आराम से 3D मूवीज़ इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन तीनों का परचेजिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे आराम से परचेस कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं कि 3D मूवीज़ को देखना कैसे हम ये सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक 3D मूवीज़ भी है, और मैंने अपने कंप्यूटर में दो एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है। पहला है KM प्लेयर और दूसरा है VLC। फ्रेंड्स, KM प्लेयर में आपको 3D मूवीज़ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, इसका भी डाउनलोडिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैंने VLC का भी डाउनलोडिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर ले। मैं तो कहूँगा आप KM प्लेयर में ही 3D मूवीज़ को देखें, वहाँ से आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। फ्रेंड, जैसा कि मेरे पास ये है एक 3D मूवीज़, और मैं इसे KM प्लेयर में ओपन करता हूँ। मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, ओपन विथ पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे KM प्लेयर को चूज़ किया। जैसा कि फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यह मूवी KM प्लेयर में प्ले हो चुकी है। जनरली 3D मूवीज़ ऐसे ही साइड बाई साइड दो पार्ट में प्ले होती है फ्रेंड्स। अगर आप 3D मूवीज़ डाउनलोड करेंगे तो ऐसे ही डाउनलोड होगी, दोनों साइड प्ले होगा। अब इसे 3D में कन्वर्ट कैसे करना है यह सीख लें। फ्रेंड्स, आप KM प्लेयर में जब नीचे में आएंगे तो आपको यहाँ 3D का एक ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यह 3D में कन्वर्ट हो चुका है, और आप यहाँ देख सकते हैं रेड और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है। आप जब अपने 3D ग्लास को पहनेंगे रेड और ब्लू वाला, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, यही तो 3D है। और आप जब मैं मूवी को प्ले बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं बस इसे फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। आप जब 3D ग्लास पहनेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ मिलने वाला है फ्रेंड्स। जब आप राइट क्लिक करेंगे और आप यहाँ सेलेक्ट कर लें 3D स्क्रीन कंट्रोल को, और आप यहाँ एक बार चेक कर लें कि यहाँ रेड और कियान के ऊपर सेलेक्ट कर लें, रेड और कियान डुबोइस के ऊपर आपको सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स। आप और भी बहुत सारे ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे इस वाले ऑप्शन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है 3D का। आप दूसरे ऑप्शन को भी ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप 3D मूवीज़ को KM प्लेयर में प्ले कर सकते हैं। अब बात कर ले कि VLC में आप 3D मूवीज़ को कैसे प्ले कर सकते हैं। तो मैंने KM प्लेयर को कट किया, और अब मैं इसी मूवी को VLC में ओपन करूँगा। मैंने ओपन विथ पे क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने VLC को चूज़ किया। तो फ्रेंड, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यह मूवी VLC प्लेयर में प्ले हो चुकी है,
और आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब इसे 3D में कन्वर्ट कैसे करना है यह सीख ले। आपको यहाँ ऊपर के ऑप्शन में जो टूल्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इफ़ेक्ट्स एंड फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है। इफ़ेक्ट्स और फिल्टर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का एक मेनू पेज खुलेगा। इसमें आप वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एडवांस के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ 3D के ऊपर क्लिक कर दें और इसे क्लोज कर दें। देख सकते हैं अब यह मूवी 3D में कन्वर्ट हो चुकी है और अब आप इसे आराम से 3D में एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आप VLC प्लेयर में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्क्रीन यहाँ पे छुटा हुआ दिख रहा है, जबकि KM प्लेयर में हमें ऐसा नहीं दिख रहा था फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से KM प्लेयर में इंजॉय करना 3D मूवीज़ को ज़्यादा अच्छा रहता है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप कंप्यूटर में 3D मूवीज़ को प्ले कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ देखते हैं कि मोबाइल में क्या क्या सेटिंग्स करना है। अब आ चुके हैं हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और अब हम यह सीखेंगे कि आप मोबाइल में 3D मूवीज़ को कैसे देख सकते हैं। आप सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर जाएँ और प्ले स्टोर के पे जाने के बाद आपको इसके सर्च बार में टाइप करना है डिम 3D। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, DIM 3D प्लेयर लिख के आपको सर्च करना है फ्रेंड्स। सर्च करने के बाद जो सबसे ऊपर में जो ऐप आएगा, आप उसका लोगो देख सकते हैं। आप इस लोगो को देख लें, आपको इसी ऐप को इंस्टॉल करना होगा क्योंकि यह ऐप 3D मूवीज़ प्ले करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी ऐप है। और भी बहुत सारी ऐप है लेकिन मुझे यह ऐप पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ। आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और फ्रेंड्स आपको उसी मूवी को इसमें प्ले करना है जो 3D मूवीज़। तो मेरे पास कुछ 3D मूवीज़ हैं फ्रेंड्स। आप 2D मूवीज़ को प्ले ना करें, मैं यही कहूँगा, क्योंकि 2D मूवीज़ के लिए यह ऐप नहीं है। अगर YouTube पे बहुत सारी वीडियो है उसमें कहते हैं कि आपसे कि आप 2D वीडियोस को भी 3D में प्ले कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो चलिए मेरे पास यह है एक 3D मूवी, मैं इसे इस ऐप में प्ले करता हूँ। मैं इस प्ले के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर 3D मूवीज़ प्ले हो रही है। मैं इसे प्ले करके नहीं दिखा सकता लेकिन आप देख सकते हैं यह दो पार्ट में डिवाइड है। आप भी 3D मूवीज़ जब डाउनलोड करेंगे तो यह ऑटोमेटिकली दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। और इस ऐप में जब आप प्ले करेंगे तो सबसे पहले आपको यह जो ऑप्शन देख रहे हैं 3D का, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे 3D वाले ऑप्शन पे, एक इस तरह का एक मेनू बार खुल जाएगा। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ रेड और कैन सेलेक्ट रहता है। अगर नहीं सेलेक्ट रहता है तो आपको इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों इस साइड में आपको सेलेक्ट करना है राइट लेफ़्ट, मीन्स लेफ़्ट और राइट वाले इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो मैं इन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स यह वीडियो टोटली 3D में कन्वर्ट हो चुकी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको ज़रूरत है सिर्फ एक ग्लास की, 3D ग्लास की, रेड और ब्लू वाला चश्मा की ज़रूरत है और उसे पहन के आप अपने मोबाइल में इस मूवी को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप 3D मूवीज़ को अपने फ़ोन में देख सकते हैं। मैंने हर उस छोटी से छोटी चीज़ को कवर किया है जिसकी मदद से आप 3D मूवीज़ देख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में बहुत मुझे टाइम लगा, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।